ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उन्हें थोड़े बहुत प्रॉफिट हो जाते हैं, बट बहुत जल्दी उन्हें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। एंड हमारा फोकस है कि आपको ना एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की जाए जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाएं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए अपना नुकसान कम से कम करें। आपके पास ना कैपिटल बचना भी चाहिए और कैपिटल आपका ग्रो होना चाहिए, हमारा फोकस है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर सीए नितिन मोरारकर जी से मिलवाने वाला हूं और बहुत सारे जो आप ही के सवाल है ना ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर हम नितिन जी से पूछेंगे, क्योंकि वो लगातार एवरीडे बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, एंड लोग उनके कहने पे ट्रेड भी करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, वो किस तरीके से स्प्रेड्स बनवाते हैं, किस तरीके से लोगों के लॉस को प्रोटेक्ट करवाते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। जो भी आपके सवाल आपने मुझसे पूछे हुए हैं आज मैं वही सवाल नितिन जी से करने वाला हूं, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिले एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर वो और ज्यादा गहरी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड मैं आपको मिलवाऊंगा आप मिस्टर नितिन मोरारका जी से। सो हेलो एवरीवन, वेल नितिन जी अब हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। नितिन जी थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला आज हमारी ऑडियंस के लिए। वेल आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी ऑडियंस ना लगातार कमेंट्स कर रही है कि नितिन जी को दोबारा बुलाओ और सीखना नितिन जी से, मुझे नहीं पता ऐसा आपने क्या जादू कर दिया है। तो आज मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड मेरी ऑडियंस है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, इट इज प्लेजर कनेक्टिंग विद यू सर। थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी, और मुझे भी बहुत खुशी होती है आपके साथ सोर्स करने में, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने व्यूअर्स का ख्याल रखते हो या जो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हो वो काफी सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो। मैंने आपके दो तीन वीडियोस रिसेंट में जो मैंने आपके साथ बनाया उसको मैंने मल्टीपल बार उसको सुना है, समझा है, तो आप कॉन्सेप्ट को और सिंप्लीफाई करके लोगों को समझा देते हो। इससे क्या है कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके कंटेंट की तरफ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने के लिए, और होप कि आज के वीडियो में भी कुछ इसी तरीके का कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक नई ट्रिक्स, नई टेक्निक्स आपको मिलने वाली है। क्या बात है सर, पहले से ही आपने लोगों के लिए बता दिया, थैंक यू सो वेरी मच, कि आज कुछ नया टेक्निक्स मिलने वाली है। सर पहली बात तो बिफोर वी गो अहेड विद एनी टेक्निक और एनी सीक्रेट, मेरी ऑडियंस क्योंकि काफी सारे लोगों ने अभी हाल ही में ट्रेड करना शुरू किया है तो कई सारे सर सवाल हैं लोगों के। मैं चाहता हूं कि क्योंकि आपके पास सर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, भरमार है आपके पास एक्सपीरियंस का, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लोगों को गाइड भी करें, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी करें। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आज के डेट में अट्रैक्ट तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं बट लोगों का ना सर नुकसान हो रहा है, मतलब कई सारे लोग पैसा बना रहे हैं बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नुकसान भी कर रहे हैं सर, तो लोगों का नुकसान जनरली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्यों होता है और वो लॉस कम से कम कैसे करें और प्रॉफिट कैसे बनाएं, ये लोग जानना चाहते हैं सर। शॉर्ट में मैंने बहुत कुछ पूछ लिया है सो आप प्लीज इस पे हाईलाइट दीजिए। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुसने के पहले या करने के पहले ये जानना जरूरी है कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के फीचर्स क्या हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसके रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं, रिवार्ड्स क्या हैं। तो देखिए ऑप्शंस में बेसिकली कॉल्स आती हैं और पुट्स आती हैं, यानी आप कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो। तो मैं एक सिंपल तरीके से एज अ बायर बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो नए प्लेयर्स मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आते हैं वो सबसे पहले बाइंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस में एक सेलिंग की भी स्ट्रेटजीज होती है बट उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जिसे हम ऑप्शन सेलर्स बोलते हैं। बट अभी हम समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है। ऑप्शन में दो तरीके की चीजें, कॉल होती है और पुट होती है। जब मार्केट ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और मार्केट के ऊपर जाने में कॉल्स के प्राइस एप्रिसिएट होते हैं या कॉल का प्राइस ऊपर जाता है। और अगर हमें कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट आज गिर सकती है किसी कारण से, तो उस केस में हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं और मार्केट के गिरने पे हमें पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। तो ये तो हो गया कि हम कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं। अब दूसरी चीज होती है कि स्ट्राइक प्राइस होती है कि कौन से स्ट्राइक की लेनी चाहिए। तो एक सिंपल, क्योंकि आप लेमैन हैं या आप न्यू ट्रेडर्स हैं, तो आप ये समझो कि जब भी आप कॉल या पुट खरीदो तो आप एट द मनी कॉल पुट खरीदना चाहिए। अब एट द मनी क्या होती है, यानी कि जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, सपोज कीजिए आज के दिन में निफ्टी 17,800 पे ट्रेड कर रही है, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको जब भी कॉल या पुट खरीदनी है, सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको एट द मनी कॉल लेनी चाहिए, यानी कि जो लेवल पे स्पॉट चल रहा है 17,800 स्पॉट चल रहा है तो 17,800 की कॉल ऑप्शन ले, या अगर पुट लेनी है तो 17,800 की पुट ऑप्शन ले। कई ट्रेडर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत दूर की कॉल या पुट खरीद लेते हैं, जैसे 17,800 चल रही है तो वो 18,200 की कॉल खरीद लेते हैं,
और क्योंकि वहां पे प्रीमियम्स कम होते हैं, दूर की ऑप्शंस में प्रीमियम्स कम होता है, और वो प्रीमियम क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो आपका वो प्रीमियम टाइम डिके के कारण खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो एक न्यू ट्रेडर करता है, वो आउट ऑफ मनी कॉल या आउट ऑफ मनी पुट्स खरीदता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। मैं इसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑप्शन बायर्स ये मैं मान के चलता हूं कि अगर आप आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट खरीद रहे हैं तो वो मोस्ट रिस्की हो सकती है। तो की टेक अवे है कि हमें एट द मनी कॉल एंड पुट लेना चाहिए, और एट द मनी वो होती है जो निफ्टी के आसपास होती है। सर, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी, क्योंकि कई सारे लोग, पहली बात तो जैसे आपने ऑप्शंस पहले समझा दिया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना है। वो राकेश झुनझुनवाला जी को देखते हैं, वॉरेन बफे को देखते हैं, सब इन्वेस्टमेंट से अमीर बने हैं। तो आप एक एग्जाम्पल है सामने की, भाई ट्रेडिंग से भी पैसा लगातार कमाया जा सकता है। पर ट्रेडिंग में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आपने एक चीज क्लैरिफाई करी कि जब मार्केट बढ़ रही है तो हम तो कॉल ऑप्शन खरीद ही सकते हैं एज अ बायर, बट अगर मार्केट गिर भी रही है तो हम शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, जो ज्यादातर शायद इन्वेस्टर्स नहीं करते से, बट ट्रेडर्स उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे भी गिरती है तब भी पैसा कमा सकते हैं। और आपने जो ये क्लैरिफाई किया कि जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस के अंदर एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के ऑप्शन है हमारे पास, कि इन तीनों में से हम किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप ट्रेड करना ही चाह रहे हैं तो आपने बोला एट द मनी पे ट्रेड कीजिए, जिससे थीटा डिके कम होगा। अगर आउट ऑफ द मनी पे जाएंगे तो वो बहुत जल्दी प्रीमियम इरोड होगा आपका। तो ये जो आपको क्लैरिटी, अगर आप में से किसी भी इंसान को अभी ये वाली चीजें कम समझ आ रही हैं, तो इस वीडियो को आप कई बार सुनिएगा। आप जब तक एंड तक जाएंगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी कि किस तरीके से ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कंसेप्ट काम करता है। तो सर, आपने एक आंसर तो बहुत बढ़िया दिया कि भैया जो लोग कह रहे हैं हमारा लॉस हो रहा है, तो आपने बोला एक बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते हैं, और थीटा की वजह से बहुत जल्दी से उनका नुकसान होता है। सर, एक वो कैटेगरी के भी लोग हैं जो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। जी मतलब आज थर्सडे है तो आज हमारा जैकपॉट डे है, आज ही हम ट्रेड करेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। तो आपको अभी तक, जैसे वो लोग जो ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, आपको उन लोगों की मानसिकता पे क्या लगता है कि मतलब उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी पर कि उनके प्रॉफिट्स हो और नुकसान कम हो? देखिए, एक्सपायरी वाले दिन अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स कम होते हैं, काफी कम प्रीमियम होता है, और अगर आप सही होते हो तो आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलता है। यानी एट द मनी जो हम बात कर रहे थे कॉल्स या पुट्स की, उसके प्रीमियम 40-50 रुपए होते हैं और मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, बट इनफैक्ट रिस्क भी उतना ही होता है, क्योंकि अगर आप गलत होते हो आपको पूरा का पूरा प्रीमियम इरोड हो जाता है। तो एक्सपायरी वाले दिन या किसी भी दिन नए ट्रेडर को ऑप्शन में स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो सेकेंड टेक अवे है, या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड किया है, कि ऑप्शन हमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज अब मन में क्वेश्चन आएगा कि स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए, तो अब सपोज जो भी प्राइस है, सपोज आपने कॉल या पुट खरीदी, तो एक तरीके से आप 50% तो आप मान के चलो कि मुझे एज अ लेमैन स्टॉप लॉस रखना ही है। अगर आपको ट्रिक्स पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या लेवल पे रखना चाहिए, और हम तो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं सर, ये किसी भी दिन की बात कर नहीं, रहे हैं? ये जनरली मैं एक्सपायरी की अभी बात कर रहा हूँ। बाकी बाकी अदर डेज भी आप अगर रखते हैं तो 40% ऑफ बाइंग प्राइस, यानी कि अगर आपने 100 रुपए में कोई कॉल ऑप्शन खरीदी है तो 40% अगर इरोड हो जाए, यानी 60 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस एनी हाउ होना ही चाहिए। और या सपोज अगर आप और किसी दिन भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर जब प्रीमियम ज्यादा है, ऐसे 150 रुपए का प्रीमियम है, तो 30-35% का आपको स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस का रखना चाहिए। ये एक एडहॉक बेसिस पे आप मान के चल सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अभी बट दिक्कत क्या आती एक्सपायरी है, पे 50%। हाँ, एक्सपायरी वाले दिन 50%, क्योंकि प्रीमियम्स ही कम होते हैं, तो आप अगर उससे उससे कम आप रखेंगे तो स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो सकते हैं। और एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डिके भी बहुत फास्ट होता है, तो उस दिन की ट्रिक्स अलग होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरी में क्या ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। बट यस, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नए ट्रेडर को नेकेड ऑप्शंस यानी कॉल या पुट ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जब तक आप अच्छे से सीख नहीं लेते हो, आप ओवरनाइट कैरी नहीं करो, क्योंकि ओवरनाइट में आपका कैपिटल स्टॉप लॉस आप रख नहीं पाओगे, अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो जाती है, क्योंकि आप कैरी तभी करते हो जब आपका लॉस में पोजिशन होती है। प्रॉफिट में तो नॉर्मली लोग इंट्राडे में ही काट देते हैं, और कैरी कब तब करते हैं जब वो लॉस में होते हैं, और लॉस वाली चीज कैरी करना ओवरनाइट और रिस्की होती है। तो मेरे ख्याल से नए ट्रेडर को ओवरनाइट ऑप्शंस कैरी नहीं करना चाहिए।
तो सर आपने अभी यहाँ पे तीन टेक अवे दिए, एक आपने बोला कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड मत करो, उससे आपका लॉस हो रहा है। दूसरा आपने बोला कि भैया स्टॉप लॉस को फॉलो करो, खासकर अगर आप नए हो तो स्टॉप लॉस तो मतलब नए हो चाहे पुराने हो स्टॉप लॉस को तो फॉलो करना ही है। और सर तीसरी चीज आपने बताई कि अगर आप नए हैं खासकर तो आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी मत कीजिए क्योंकि आपका प्रीमियम भी इरोड हो सकता है। तो सर यहां तक मुझे लगता है कि जो लोग नए हैं और उनका लॉस हो रहा होगा तो इनमें से कोई ना कोई एक रीजन हो सकता है जिससे उनका लॉस हो रहा हो और आज से वो उससे प्रोटेक्ट कर सके। बट सर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं या कुछ सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा कमा सकते हैं, तो इनफैक्ट मैं भी वो जानना चाहूंगा सर। तो प्लीज आप अपनी स्ट्रैटेजीज बताइए सर, आज क्या ऐसा है लोगों के लिए जो आज लोगों को बहुत काम आएगा। देखिए कुछ की टेक अवेज हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से या ट्रेडिंग में गलती कर करके सीखी है, तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं सो दैट मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकूं। तो कुछ की टेक अवेज हैं वो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेरी पीपीटी दिख रही होगी। एब्सोल्युटली सर, देखिए की टेक अवे ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग डेली ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी करते हैं और जो नए ट्रेडर हैं उनको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ना कोई मेथड होना चाहिए बाइंग या सेलिंग का। यानी अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हो या कॉल खरीद रहे हो या पुट खरीद रहे हो तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपका जो मेथड दैट शुड बी वेरी सिंपल मेथड। अब हम लोग अपनी ट्रेडिंग में पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं विच इज अ मोस्ट पावरफुल टूल। जितने भी इंडिकेटर्स हैं जैसे आप RSI या मूविंग एवरेज या बॉलिंगर बैंड्स अगर उन सब में कंपेयर करें तो पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर जिसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% एक्यूरेसी हम लोगों ने ऑब्जर्व की है लाइव मार्केट में। तो वो एक मेथड हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जो की टेक अवेज हैं इसमें आपको लो रिस्क सेटअप्स फाइंड करने होते हैं कि यानी कि जब आप ऑप्शंस ले रहे हो तो आपकी एंट्री राइट होनी चाहिए, यानी किस लेवल पे आप इंटर कर रहे हो, वहां पे आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड्स कितना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। कई बार जो नए ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर खुल गई, 200 पॉइंट कई बार हम देख रहे हैं कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है, 300 पॉइंट नीचे खुल जाती है, तो उस केस में एंट्री आपकी काफी रिस्की हो सकती है। तो आपको एंट्री के लिए राइट लेवल्स क्या है ये भी फाइंड करना जरूरी है और उसके लिए भी पता लगेगा। इसी के ऊपर मैं रोक रहा हूँ सर, कैसे पता लगेगा लोगों को राइट एंट्री लेवल? देखिए राइट एंट्री लेवल सिंपल जो तरीका है उसमें आपको अगर आप कॉल या पुट खरीद रहे हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि मार्केट का जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी बोलते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप निकाल सकते हो कि आज का एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है। तो आपको एंट्री एवरेज ट्रेडेड प्राइस के आसपास करनी चाहिए और ये जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, टू एवरी एक्शन एवरीथिंग हैज टू रिवर्ट टू द मीन, ये हमेशा होता है। तो अब जो प्राइस है प्राइस हर दिन मीन के पास आता है, रिवर्ट करता है, देन अगेन इट बाउंसेस बैक। कभी भी निफ्टी के प्राइस या इंडेक्स के प्राइस वन वे मूव नहीं करते हैं। आप देखेंगे प्राइस ऊपर जाता है देन इट रिवर्स टू द मीन, देन इट मूव्स अप, देन इट रिवर्स टू द मीन। तो हमें एंट्री तब करनी है जब प्राइस रिवर्ट्स टू द मीन, हमें जंप करके नहीं लेना है। तो एंट्री के लिए आपको VWAP यूज करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक बार लोगों के लिए ना, क्योंकि मेरे को तो समझ आ रहा है बट लोगों के लिए एक बार ना आप एक बार दिखाइए स्क्रीन पर, एक बार हम खोल लेते हैं और VWAP दिखा देते हैं लोगों को। जैसे मैं आपको यहाँ पे VWAP में लेके चलता हूँ, ये निफ्टी का ग्राफ हम देख रहे हैं और निफ्टी के ग्राफ में ये जो ब्लू लाइन है दिस इज अ VWAP लाइन, ब्लू इज अ VWAP लाइन यानी एवरेज प्राइस है मार्केट की। VWAP का मतलब होता है कि जिस लेवल पे सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम्स हुए हैं, दिस इज कॉल्ड VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं दिस इज अ टिक बाय टिक निफ्टी प्राइस, ये दिस इज अ निफ्टी प्राइस। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर डेटा पॉजिटिव है या मार्केट ऊपर लग रहा है तो उस केस में ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है इसके आसपास हमें एंट्री करनी चाहिए। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसके आसपास हम एंट्री करेंगे तो मेरा रिस्क लिमिटेड होगा। बट सपोज कीजिए अभी ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो जैसे यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री कर गए, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे अगर हम एंट्री कर लेते हैं ये, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज रिस्क होता है कि प्राइस कैन गेट बैक टू द मीन, ये जो मीन है इसे हम मीन बोलते हैं, VWAP लेवल बोलते हैं। तो आपका ये इस लेवल से इस लेवल तक का रिस्क खुला हुआ होता है।
तो हम इंट्री के ख्याल से ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास इंट्री करें, और दैट इज अ राइट इंट्री लेवल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मैं और जैसे बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखाता हूं। अभी तो हमने निफ्टी का देखा, अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। और ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है, और इस बैंक निफ्टी में ब्लू लाइन इज अ वीवैप लाइन एंड येलो इज अ निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ऊपर मूव किया, ये मूव करने के बाद ये एक बार फिर वीवैप पे आया। आप देखिए यहाँ पे वीवैप को ये टच किया एंड अगेन इट बाउंस बैक, राइट। तो कई बार क्या होता है, ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि वो इस लेवल पे अगर एंट्री कर लिए तो उनका एक तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, और वो वीवैप पे आते आते उनको पैनिक हो जाएगा या वो स्टॉप लॉस स्क्वायर अप कर देंगे। तो क्योंकि प्राइस डेप्रिसिएट होता है, तो प्राइस में मतलब ऑप्शंस के प्राइस नीचे आएंगे तो हमें पैनिक होने लगता है, और अगर हम वीवैप पे एंट्री अगर करते यहां हैं। से एंट्री करी होती वीवैप से तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। हाँ, आप ये देखिए, वीवैप पे एंट्री किया तो एंट्री करते ही आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चली गई ना, वहां पे कोई रिस्क ही नहीं आया, ठीक है। तो हमें एंट्री कोशिश ये करनी है, और मौका देखिए दो बार मिला। एक मौका यहाँ पे मिला वीवैप पे एंट्री करने का जब 12:11 पे, दूसरा मौका सपोज ये मौका आपका छूट भी गया तो आपको जंप करके यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। सेकेंड सेकेंड मौका आपको फिर मिला 1:04 पे, ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी थी। तो बेसिकली आपको मौके का इंतजार करना है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड छूट गया तो छूट गया। वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है नए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है और राइट लेवल पे एंट्री करना है। ट्रेड अगर छूट गया तो ठीक है, उस दिन ट्रेड हम नहीं करेंगे, बट हम ट्रेड तभी करेंगे और हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारे सेटअप में आएगा और हमारे वीवैप के आसपास आएगा। क्योंकि आप ऊपर एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब जैसे 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद ये प्राइस ऊपर गया, फिर हमें कोई एंट्री नहीं मिली क्योंकि ये प्राइस ऊपर ही ऊपर रहा। तो इस तरीके से बेसिकली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और एंट्री डिसिप्लिन में रहना है फिर सर, ये नहीं सोचना कि अगर एंट्री नहीं मिल रही तब भी मैं घुसू, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट में। हाँ हाँ जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आप फिर उसमें एंट्री करोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है उस केस में। तो सर, ये वीवैप तो कोई भी खैर अप्लाई कर सकता है, मान लेते हैं उसका अपस्टॉक्स पर अकाउंट है या एंजल वन पर अकाउंट है, तो उस पर आराम से वीवैप अप्लाई करके कम से कम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का ध्यान रख सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग से, क्योंकि किस लेवल पे एंट्री करते हो, और वीवैप हर जगह अवेलेबल है। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन, और ये आपको एसएमसी ऑटो ट्रेडर है वहां पे भी अवेलेबल है, और बाकी और भी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हर जगह अवेलेबल है ये डेटा। सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज अपने की पॉइंट्स, बड़ा मजा आ रहा है सर सीख के, आई होप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा। और देखिए, एक और चीज जो मैंने फाइंड किया कि जैसे आप देखोगे कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनकी फीस ज्यादा होती है कंपेयर टू जनरल फिजिशियन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है उसकी उसमें एक्यूरेसी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जनरल फिजिशियन क्या है, वो हर चीज को ट्रीट करता है और उसकी एक्यूरेसी किसी, अब हार्ट स्पेशलिस्ट अगर आप जनरल फिजिशियन को बोलोगे कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है तो वो उतने अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाएगा। तो मेरा एक और ये पॉइंट है कि हमें स्पेशलाइजेशन ट्रेडिंग करनी चाहिए। यानी कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो निफ्टी भी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी कर रहे हैं, और जितने स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी खबर मिली कुछ भी ट्रेड कर लिया, तो उसमें क्या है, चांसेस ऑफ एरर आपकी इंक्रीज हो जाती है। आप टीवी भी देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर भी सुन रहे हो, आप कुछ भी देख के ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक आपके जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है और एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूनिवर्स को छोटा करना चाहिए और स्पेशलाइजेशन ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी के 7-8-10 स्टॉक्स जो बड़े वाले हैं, जैसे एचडीएफसी, रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, उनमें फोकस रहता है, और उनमें जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं और डेटा को फॉलो करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन ट्रेडिंग करने से फायदा क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि होमवर्क आपको डेली करना चाहिए। यानी आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, तो आपको डेली एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि आज मैंने प्रॉफिट कमाया तो क्या क्या रीजंस हैं, क्या मैंने सही काम किया जिससे मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हुआ तो आप ये देखो कि आपने लॉस किया तो क्या रीजंस हैं, आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया, क्यों आपने ओवर लिवरेजिंग तो आपने नहीं कर दी, यानी कि आपने पोजिशन साइज बहुत बड़ी तो नहीं ले ली। यानी आपका एक डेली डायरी होनी चाहिए, आपको कम से कम आधे घंटे लिखना चाहिए कि मैंने आज ट्रेड किया उसमें क्या प्लस पॉइंट थे और क्या माइनस पॉइंट थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर राइट सर, डेटा कुछ जैसे डेटा इन इंट्राडे फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो मैं यूज करता हूँ, वो पुट कॉल रेशियो ऑप्शन चेन यूज करता हूँ, विच इज अ मोस्ट पावरफुल एंड रिलायबल डेटा।
इंट्री लेवल्स के लिए हमने वीवैप डिस्कस किया कि हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर इंट्री करते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हो तो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी यूज कर सकते हो कि वीवैप एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके आप इंट्री बना सकते हो। यानी अगर मार्केट में तेजी लग रही है तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास एंट्री करना है, और सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंस लेवल भी आप देख सकते हो कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, उसके बेसिस पे आप एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं। फिर एक नए ट्रेडर के लिए पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा गलती मैंने देखा है कि लोग इसमें करते हैं, वो भी लालच के कारण होता है। ज्यादातर नए ट्रेडर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं और उनका ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को एक वीक में 50,000 की कैपिटल मेरी 1,00,000 हो जाए और अगले वीक ये 2,00,000 हो जाए और एक महीने में 5,00,000 हो जाए। इसके चक्कर में वो ओवर लिवरेजिंग या ओवर पोजिशन क्रिएट करते हैं, यानी कि 50,000 के कैपिटल पे आपने 20 लॉट ले लिया, 10 लॉट ले लिया और अगर एक स्टॉप लॉस भी हो गया तो वो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 के कैपिटल पे मैक्सिमम 2 लॉट से ज्यादा हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कैपिटल साइज 50,000 है तो 2 लॉट और 1,00,000 है तो मैक्सिमम 4 लॉट, यानी 25,000 पे 1 लॉट की पोजीशन साइज से आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो और आप गेम में बने रह सकते हो। एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं और छोटा टारगेट रखते हैं। वो 20-25 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस 40-50 पॉइंट ऑप्शंस में देखते हैं। बट हमें इंट्राडे में 1:1.5 या 1:2 के रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करना चाहिए। जैसे हम अगर कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो अगर हमारा स्टॉप लॉस 30-35 पॉइंट का है तो टारगेट 50 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। यानी 1:1.5 का मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो जहां पे बन रहा है वहीं पे एंट्री लेनी चाहिए। जैसे वीवैप कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, तो वीवैप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आप वीवैप के आसपास एंट्री करते हो तो आपका रिस्क टू रिवार्ड बेटर होता है। यानी आप रिस्क ले रहे हो 30 पॉइंट का तो आपको रिवार्ड वहां से 35-40-50 पॉइंट आ सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड स्टॉप लॉस पे टारगेट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फाइंड किया कि अगर कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनको लॉस हो जाता है और डेटा में अचानक से चेंज हो गया तो वो नेक्स्ट मूव को राइड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी थी, आरबीआई की पॉलिसी आने के ड्यूरिंग या उस समय आसपास मार्केट का डेटा नेगेटिव था, निफ्टी में एक सेलिंग हम लोग देख रहे थे। और एक बार दिखाइए उसे कि कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को डेटा समझ नहीं आता कि हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं सर, मतलब बिल्कुल नए भी हैं और रोज हमारे साथ हजारों लोग जुड़ रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग से समझना बहुत जरूरी है चीजों को। ये सर आपका हम जी ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये मेरा एक प्रीमियम चैनल है जिसमें करीब अभी 10,219 पार्टिसिपेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं और हम लाइव डेटा एनालिसिस करते हैं और जो भी डेटा होता है हम लाइव शेयर करते हैं और सब मिलके हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें इसी में डेटा है, इसका एक बैकअप चैनल भी है पीसीआर डेटा ट्रेडिंग, जिसमें करीब 12,000 सब्सक्राइबर हैं, 12,718 लोग हैं। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हम 8 अप्रैल का डेटा को समझते हैं और ये जो डेटा है ये ऑप्शन चेन के ऊपर ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं 8 अप्रैल, करेक्ट 1 सेकेंड। ये देखिए ये 8 अप्रैल का डेटा है जिसमें पीसीआर पुट कॉल रेशियो पे ट्रेडिंग हो रही है। और ये बेसिकली हम ये देखते हैं कि ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करते हैं और ऑप्शन चेन में ये देखते हैं कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है या पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जो अभी तक आप डेटा देख रहे हैं इसमें जो पीसीआर रेशियो आ रहा है, ये पीसीआर रेशियो आ रहा है जो नेगेटिव पीसीआर रेशियो आ रहा है विच इज कॉल्ड अ नेगेटिव डेटा। और इसमें डेटा में चेंज हमें देखने को मिला, ये देखिए ये फ्राइडे को 12:30 में जो डेटा नेगेटिव चल रहा था सुबह से 9:30 से 12:30 तक वो डेटा अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे ये है कि सुबह नेगेटिव था तो उसके डेटा के हिसाब से हमें पुट लेना चाहिए था और हम लोगों ने पुट ट्रेड भी किया अपने चैनल में और पुट ट्रेड करने के बाद पुट में स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद फिर हम जैसे डेटा चेंज हुआ हम कॉल की तरफ चले गए, अराउंड 12:30 डेटा चेंज हुआ और वहां से मार्केट में 100-125 पॉइंट की रैली भी आई तो जो हमें पुट्स में नुकसान हुआ वो हम कॉल से कवर कर लिए। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है
कि आपको मार्केट में एज अ विनर निकलना है। लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, बट हमें लॉस से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो हम ट्रेड छोड़ दिए, उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, डेटा चेंज होगा, फिर हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे और हमें एज अ विनर निकलना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तो सर जैसे आपने मैं फिर जब कॉल का ट्रेड था तो आपने टिप दी लोगों को, मतलब लोगों को बताया कि आपको आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है। आपको 8th का डेटा दिखाता हूँ, 8th को आरबीआई की पॉलिसी थी, मैं सुबह से दिखाता हूँ ये 8th को डेटा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पब्लिश किया कि भाई डेटा आज का नेगेटिव चल रहा है 10-25 पे, आप देख सकते हो। और जो फर्स्ट टारगेट स्ट्राइक 17,600 स्ट्राइक की पुट, और ये 11:13 पे हमने दिया कि बाय एनएससी पुट ऑप्शन 17,600, 106 रुपया पे 70 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट, ठीक है। ये डेटा के हिसाब से हमने ट्रेड किया। और ये देखिए, ये सेम जो अभी ग्राफ हम देख रहे हैं, ये वीवैप का ही ग्राफ है। हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ भी शेयर कर दिए कि हम इस लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं। और यहाँ पे लॉजिक है, वी हैव टेकन 17,600 स्ट्राइक पुट एट द रेट 110 नियर वीवैप। पीसीआर डेटा इज नेगेटिव फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यानी जो पुट कॉल राइट रेशियो का डेटा है वो नेगेटिव है। और ये हमारे रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है, ये रूल्स ऑफ ट्रेडिंग भी हमने शेयर कर दिए कि हम इस रूल से ट्रेड करते हैं और ये सेटअप राइट हमारा मीट कर रहा है। अब हमने सारे रूल्स के हिसाब से ट्रेड ले लिया। अब संजोग से 12:16 पे स्टॉप लॉस हिट्स इन 17,600 पुट्स, यानी हमने जो 106 में पुट लिया 70 रुपीज में स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी मुझे लॉस कितना हो गया, करीब करीब 36-37 पॉइंट का लॉस हो गया। राइट उसके बाद 12:20 में डेटा चेंज हो गया, 12:30 के आसपास डेटा चेंज हुआ। फिर उसी समय पब्लिश किया हम लोगों ने कि निफ्टी पीसीआर डेटा टर्न पॉजिटिव एट द रेट 12:30 लेड बाय अनवाइंडिंग इन कॉल्स। फिर राइट 1:08 पे बाय निफ्टी कॉल 17,800 की 111 पे हमने ले ली, 80 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। तो ये ट्रेड राइट फिर इनिशिएट किया। और इसके बाद मैं इस ट्रेड का आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फिर ट्रेड मूव करी, हम इस ट्रेड में आते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है, जी अब ये ट्रेड को हम, बिल्कुल। हाँ ग्राफ आ रहा है। अब ये देखिए, 17,800 की कॉल हम लोगों ने कहाँ पे ली, ये हमने बाई किया था करीब करीब 12:30 पे, इस कैंडल पे, सॉरी 1 बज के 1 बजे के आसपास यहाँ पे हमने बाई किया था। वो प्राइस था उस समय 111 का, और फिर आप देखें इसका हाई कितना गया, 188 का हाई है। यानी जो लॉस मुझे पुट में हुआ वो हमने कॉल से कवर कर लिया। तो बेसिकली डेटा है, हम डेटा को फॉलो कर रहे हैं और डेटा में जो सिग्नल बन रहे हैं हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। और खासतौर से इस चैनल में हम लर्निंग शेयर करते रहते हैं कि देखिए ये चार्ट्स बन रहे हैं, इसमें ये ब्रेकआउट्स होने के चांसेस हैं। जैसे आप देखेंगे तो करीब जब मार्केट 17,732 के आसपास थी तो एक कमेंट्री हमने दिया कि निफ्टी 60 मिनट चार्ट से इसमें ब्रेकआउट होने वाला है और हम बाउंस करने वाले हैं। उसके बाद 17,770 आ गया, फिर आप देखेंगे तो ये 17,954 आ गया, और फिर उसके बाद ये देखेंगे तो 17,817 आ गया। तो ये लाइव डेटा के साथ हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये जो मेरे साथ 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, दे ऑल आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। जी तो इस तो तरीके सर, से ही, ये जो प्रीमियम चैनल है इस पे मुझे ये समझ आया कि आपने लोगों को, इनफैक्ट अगर लोगों को लॉस हो रहा था तो उनका लॉस रिकवर करा के उनको प्रॉफिट भी कराया, तो आप क्या रेगुलर टिप्स दे रहे हैं इस पे डेली बेसिस पे? जी बिल्कुल, हर दिन हम इसमें ट्रेड करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें देखिए क्या क्या चीजें मिलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चार चीजों पे हम फोकस करते हैं हम सब। एक तो हम निफ्टी पे निशाना लगाते हैं, यानी निफ्टी की कॉल पुट पे हम ट्रेड करते हैं, ये हमारा प्राइमरी मतलब फोकस। निफ्टी की कॉल्स आप डेली देते हैं? हाँ, निफ्टी की कॉल्स करीब करीब डेली होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही तो अलग बात है, बट अगर 22 ट्रेडिंग सेशन मतलब होते हैं तो ऐसे ही 20 दिन ट्रेड नहीं तो कराना, अगर अगर अपॉर्चुनिटी है तभी ट्रेड कराएंगे। तभी ट्रेड कराते हैं जहां पे हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। बट ये है कि हम कोशिश करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे सब्सक्राइबर को मिले और कम से कम तीस राइट चालीस पॉइंट का हम प्रॉफिट करा पाए, ये हमारी कोशिश होती है। और हम निफ्टी पे कोशिश करते हैं कि डेली एक ट्रेड हम निकाल पाए। तीस चालीस पॉइंट पे लगभग सर एवरेज लोगों का क्या प्रॉफिट बन जाता है, एक देखिए देखिए हम एवरेज? हमारे जो चैनल का हिट रेशियो वो 70% हिट रेशियो है, यानी कि 10 ट्रेड में से आपके 7 ट्रेड सही होंगे, 3 में स्टॉप लॉस होगा। और हिट रेशियो 70% है, यानी अगर हम बड़ा प्रॉफिट खा रहे हैं, प्रॉफिट 50-60 पॉइंट का खाने का कोशिश करते हैं, 40 पॉइंट 50 पॉइंट, और स्टॉप लॉस जनरली हम 30 पॉइंट रखते हैं, और हमारा हिट रेशियो 70% है, यानी 10 में से 7 गलत होते हैं, 3 हमारे सही होते हैं।
तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। 7 सही होते हैं, 3 गलत होते हैं। जी बिल्कुल, 3 सॉरी 3 गलत होते हैं, 7 सही होते हैं। तो और आप ये मान के चलें कि स्टॉप लॉस हम बिल्कुल फॉलो करते हैं, हम स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, हम एक हीरो जीरो भी करते हैं, ये एक्सपायरी वाले दिन करते हैं। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम होते हैं, आपको एट द मनी 30-40 रुपए में मिलती है, और उसमें एक एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा, मतलब कई बार हम जीरो भी रखते हैं स्टॉप लॉस, यानी 20 रुपए में कॉल ले ली, स्टॉप लॉस उसका जीरो रख लिया, यानी जाने को मेरे को 20 रुपया है, और कई बार वो प्राइस 60-70-80 भी हो जाता है। और बैंक निफ्टी में तो खास, 1000 रुपए का सर, मतलब 1000 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, तो 1000 का हमने रिस्क लिया, आने को 3000-4000 होते हैं। और बैंक निफ्टी में खास तौर से हीरो जीरो में बहुत मजा आता है, कई बार तो ऐसा होता है कि 50 रुपए की चीज 150 रुपया 200 रुपया भी बिक जाती है। तो हीरो जीरो हम एक्सपायरी वाले दिन करते हैं, ये एक ट्रेड और हम इनिशिएट करते हैं। तीसरा, हम स्टॉक ऑफ द डे निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, या जैसे मैं आपको रिसेंट में दिखाऊं तो हम लोगों ने ट्रेड किया था आईसीआईसी बैंक में, जैसे ये लास्ट ट्रेड था आईसीआईसी बैंक में, हमने फ्राइडे को ट्रेड किया था। उसके पहले एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक्स हम रिसेंट में ट्रेड किए, कोटक बैंक में हम लोगों ने ट्रेड किया था, हाईलाइट किया कोटक बैंक। तो इस तरीके से हम स्टॉक ऑफ द डे भी निकालने की कोशिश करते हैं। और एक एक और फीचर है जिसमें हम रॉकेट स्टॉक ऑप्शन देते हैं, जो रिसेंट में तो हमने नहीं दिया है, बट ये एक रॉकेट स्टॉक ऑप्शन होती है, जो वैसी ऑप्शंस होती है जो एक दो दिनों में रॉकेट हो सकती है। अच्छा। तो ये 3-4 चीजों पे हम फोकस करते हैं। रॉकेट स्टॉक ऑप्शन नॉर्मली रिजल्ट सीजन में बहुत मिलते हैं, जैसे रिजल्ट आने वाले हैं रिलायंस के या एचडीएफसी बैंक के, तो उनमें एक डेटा बिल्डअप देख के हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करके निकालते हैं। आपकी सर रिसर्च टीम कितने लोगों की है लगभग, ये आप अकेले कर रहे हैं, कितने लोगों की रिसर्च टीम आपकी? ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, और मैं आपको अपनी रिसर्च टीम दिखाता हूँ कि हमारी रिसर्च टीम कितनी है। और बेसिकली आप ये हमारी टीम जो है, ये जो मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही ये आपको रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी टीम जुड़ी हुई है। वन सेकेंड, फोटो मैं फाइंड करता हूँ। 8 तारीख, हाँ ये मिल गई सर। ये मेरी पूरी रिसर्च टीम है, करीब हम लोग 22 लोगों की रिसर्च टीम है, और इसमें प्रोग्रामर भी हैं, सपोर्ट स्टाफ भी हैं, और कोडिंग टीम भी है। ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए फाइंड करती है। हमने क्या, जैसे अगर हम निफ्टी पे निशाना लगाना है, तो उसके लिए मैंने 2 डेडिकेटेड रिसर्च एनालिस्ट लगे हुए हैं जो निफ्टी पे निशाना पे फोकस करते हैं। स्टॉक ऑफ द डे फाइंड करने के लिए 3 एनालिस्ट हमारे साथ डेडिकेटेड लगे होते हैं, जो डिफरेंट पैरामीटर पे स्टॉक ऑफ द डे निकालते हैं। रॉकेट स्टॉक ऑप्शन के लिए अलग 2 एनालिस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा हैंडल मैं खुद कर रहा हूँ, ये जरूर है कि मैं फ्रंट फेस पे हूँ, बट मेरे साथ पूरी टीम आपको सर्व कर रही है, और आपके साथ, आपको आपके प्रॉफिट्स के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ वर्क कर रही है। तो ये पूरी टीम है पुष्कर जी, जो मेरे साथ सारे लोगों के लिए रिसर्च करती है। बहुत खर्चा कर रहे हो सर, बहुत खर्चा कर रहे हो। अच्छा नहीं नहीं और हम इस खर्च करने के बाद भी हम अपने सब्सक्राइबर से बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं। मतलब ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था, तो इसके ज्वाइन करने के लिए क्या चार्जेस हैं सर, एक बार दोबारा से अभी लेटेस्ट क्या चार्जेस है? सर इसके 3500 रुपीज हम पर क्वार्टर चार्ज करते हैं, यानी कि 3 महीने का 3500 है, यानी आपको 1000-1200 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती है पर महीने की, यानी अगर आप देखोगे तो 50 रुपए की कॉस्टिंग आपकी पर डे की पड़ गई। और आप ये सोचो 50 रुपीज की कॉस्ट में आपको निफ्टी की रिसर्च, बैंक निफ्टी की रिसर्च, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स की रिसर्च, यानी कि कुछ ऐसे ये 10 स्टॉक है, ये 10 स्टॉक में 11 स्टॉक है, इसमें अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम आपको लाइव मार्केट में हाईलाइट कर देंगे, और दिन के एक स्टॉक हम आपको निकालने की कोशिश करते हैं कि आज का लीडर कौन होने वाला है, और आप उसमें बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो हम ऐसा नहीं है कि हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, हमारा फोकस केवल क्वालिटी पे होता है, और पूरी की पूरी रिसर्च टीम आपको इतने मिनिमम कॉस्ट पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनफैक्ट ये तो जब हमारे रिन्यूअल्स होते हैं तो हम और सस्ते में रिन्यूअल्स देते हैं, जैसे अभी जो रिन्यूअल ऑफर हमारा चल रहा है वो 3000 में 3+1 चल रहा है, यानी कि आपकी कॉस्टिंग 700-750 रुपया पर महीने की आ रही है, यानी आप 3000 में 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, 750 पर डे पर महीने पड़ गए, यानी 25 रुपए की कॉस्टिंग आपकी केवल एक दिन की हुई, जिसमें आपको इतनी सारी रिसर्च, लर्निंग सब कुछ मिल रही है, प्लस
प्लस हम वेबिनार्स भी करते रहते हैं, रेगुलर वेबिनार करते हैं जिसमें आपको सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, तो आप एक तो लाइव भी सीखते हो और वेबिनार्स के थ्रू भी सीखते हो, तो इससे आपकी लर्निंग और पक्की होती चली जाती। अच्छा, वेबिनार्स भी इसमें फ्री है सर? यस यस, वेबिनार्स वेबिनार्स देखिए इसमें हमारे साथ दो तरीके के वेबिनार होते हैं, एक तो SMC ऑटो ट्रेंडर के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वीकली वेबिनार्स होते हैं, और जो टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हम मंथली वेबिनार्स करते हैं। अच्छा, तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर ऑटो ट्रेंडर और टेलीग्राम है, इसे मतलब जैसे इसके अंदर मैंने अभी आपका देखा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी आपने ऑटो ट्रेंडर के बारे में स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, तो एक इंसान को सर दोनों लेने की जरूरत है, सिर्फ वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है? मतलब अगर वो टेलीग्राम ग्रुप का ही पे कर दे, मान लो 3500 रुपए जो भी आपका है जो चार्ज है, तो उसे दोनों का फायदा मिलेगा या ऑटो ट्रेंडर अलग से खरीदे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि टेलीग्राम और ऑटो ट्रेंडर में क्या फर्क है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग कई बार बोटिंग करने जाते हैं तो वहां पे हमें दो तरीके की बोट्स दिखती है, एक वैसी बोट होती है जो पैडल बोट होती है और एक वैसी बोट होती है जिसमें कि बोट चलाने वाला होता है, करेक्ट? तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पैडल बोट पसंद होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ऐसी बोट पसंद होती है जिसमें कोई चलाने वाला हो और वो शांति से उसमें बैठे रहे। तो टेलीग्राम टेलीग्राम क्या है, उसमें वो वैसी बोट है जिसमें चलाने वाला बैठा है और वो रिसर्च टीम आप मेरे चलाने वाले हो? हाँ, मैं हूँ, मेरे साथ आप टीम है। टिप्स दे देंगे कि हाँ, ये ट्रेड कर लो, बस बस उसमें आप बैठ जाओ और हम आपको गाइड करते रहेंगे, आप अपना ट्रेड करते रहो। और ऑटो ट्रेंडर क्या है, वो पैडल बोट है, आप उसमें बैठो, खुद से रिसर्च करो, खुद से ट्रेडिंग करो और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो। बट वहां पे भी हमारे पास सपोर्ट टीम होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसमें हम अपनी तरफ से, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑटो ट्रेंडर रिसर्च सपोर्ट टीम का एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें भी हम डेटा वगैरह दे रहे हैं, पोल कराते हैं, ये सारा डेटा हम शेयर कर रहे हैं। इसमें करीब 5700 अभी मेंबर्स हमें दिख रहे हैं और इसमें हम अपनी तरफ से हाई कन्विक्शन कॉल्स भी देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हाई कन्विक्शन कॉल हमने रिसेंट में रिसेंट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये हाई कन्विक्शन कॉल दी है, ये अर्ली एग्जिट हुई होगी बट हाई कन्विक्शन कॉल हमने दी है, तो हम इसमें अपनी तरफ से कॉल्स भी देते हैं, डेटा भी अपडेट करते हैं बट ट्रेड्स नहीं देते हैं। फर्क ये है कि ऑटो ट्रेंडर में हम आपको लर्निंग कराते हैं लाइव, बट हम उसमें ट्रेड्स डायरेक्ट नहीं देते हैं। कुछ कुछ ट्रेड्स हाई कन्विक्शन आती है, निफ्टी की ट्रेड नहीं आएंगी, बट टेलीग्राम चैनल में क्या है, आपको हम लाइव ट्रेड्स देंगे, यानी आप आराम से नाव पे बैठे हो और हम आपको सैर करा रहे हैं और उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट सर, जैसे ये जो पेमेंट लोग कर रहे हैं, मतलब कितने परसेंट लोगों का ये जो वो पेमेंट कर रहे हैं, वो कम से कम मान लो कितने दिनों में वो रिकवरी आ सकती है? क्योंकि पैसा तो देखो, अगर कोई लगा रहा है तो उसे कहीं भी लगाने पे, मतलब अगर मैं भी कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न्स चाहिए, तो कितने टाइम में उस आपको लगता है कि इन लोगों को जनरली जो आपके साथ, क्योंकि 10,000 ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो उनको प्रॉफिट निकल जाता है उनका, जो उन्होंने मतलब लगाया वो रिटर्न्स निकल जाते हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से तो कॉस्ट के हिसाब से तो रिटर्न कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखोगे तो मैं आपके लोगों को कुछ अगर मुझे मिलता है तो मैं दिखाता हूं, क्योंकि देखिए कॉस्ट कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से रिटर्न आ रहे हैं। अब मैंने कुछ अभी आपके सामने मैंने कुछ लोगों के शेयर किए हैं जो जो इसको यूज कर रहे हैं लास्ट सालों से, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे ये मार्च 2022 का है, इट वाज अ वेरी परफेक्ट टाइमली एंट्री, एग्जीक्यूटेड फ्यूचर्स इट सेल्फ नॉडिड होजिंग, गॉट 95 points इन जस्ट 20 minutes, व्हाट अ एंट्री सर, हैप्पीनेस ओवरलोडेड, व्हाट अ परफेक्ट एंट्री इट वाज, फॉर मेंबर्स दे में क्वेश्चन, देखिए इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कुछ इनके कमेंट्स भी हैं, सर यू आर द बेस्ट थिंग आई हैव फाउंड, वन शॉट किल एट वीवैप एंड पेशेंस पे ऑफ, ठीक है, मिस एवरेजिंग एट वीवैप बट हैप्पी। अब ये आप, अगर लोग आपकी तरफ से प्रॉफिट कर रहे हैं बड़ा, हाँ मतलब बेसिकली क्या है, वैल्यू फॉर मनी है। ब्रेकफास्ट डन एट, अब देखिए ये बहुत अच्छा कमेंट है, 5 अप्रैल का यह रिसेंट है, ब्रेकफास्ट डन एट .930 व्हेन ऑटो ट्रेंडर पब्लिश डेटा एग्जैक्टली एट 9:30 विद स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस एग्जैक्टली फॉलोड एज टॉट व्हाट अ लुक फॉर अर्ली सिग्नल, प्राइस वाज फ्लैट बट डेटा वाज नेगेटिव, प्राइस वाज रोमिंग नियर वीवैप, वन शॉट किल एट वीवैप, व्हाट अ प्रीसियस नॉलेज यू प्रोवाइडेड सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। इनको प्रॉफिट दिखा रहा है, हाँ इनका प्रॉफिट आ गया है ना, 7,000 रनिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे मुझे ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारे आते रहते हैं। अब ये देखिए
ये क्या हो रहा है सर, कंप्लीटेड सर, वन ट्रेड कंप्लीटेड, बॉट इतना, सोल्ड एट 45। लोग खुद से रिसर्च, अब बेसिकली वो सीख गए खुद से और अपने आप प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये जान के खुशी होती है कि आप सीख रहे हो, खुद से ट्रेड कर रहे हो और खुद से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वैल्यूज बड़ा फॉर मनी मोटिवेटिंग है है। सर लोगों के लिए ना, बड़ा मोटिवेटिंग है अगर आपके साथ जुड़कर लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे लोगों का भी बहुत प्रॉफिट होगा। मैं आपके ये टेलीग्राम ग्रुप का और ये आपके ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। देखो लोगों को गाइड करने वाले लोग नहीं मिलते सर। जैसे मैं अपने परिवार की बात करूँ तो मेरे परिवार में मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब ऐसा ट्रेडिंग तो करते ही नहीं है। मैं ज्यादातर लोग मतलब करा होगा कभी छोड़ दिया, बट इन्वेस्टमेंट अब काफी लोग करने लग गए हैं। बट ट्रेडिंग के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करना सर बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे हिसाब से तो आप जो चार्ज कर रहे हो इट इज नथिंग, बिकॉज मैंने मार्केट में लोग देखे हैं जिनको मतलब, जैसे आप तो सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड हो आप, एज अ जितना मैंने आपके बारे में स्टडी किया कि मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम पे मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं है फिर भी वो टिप्स प्रोवाइड करते हैं। दे चार्ज अलॉट, मतलब वो महीने के मतलब हजारों, इनफैक्ट 50-50 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता मतलब अगर आप एक नॉलेज के साथ शेयरिंग कर रहे हो तो इट इज मच बेटर। ठीक है सर, मतलब इट इज नथिंग, आपकी टीम है, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, सो इट इज नथिंग व्हाट यू आर चार्जिंग, बट उससे लोगों का अगर फायदा हो रहा है, आप दिखा ही रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक आज सर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, स्टार्टिंग से लेकर जब आपने बिल्कुल ये बताया कि आपने एट द मनी ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, ओवरनाइट कैरी नहीं करनी पोजीशंस, से लेकर आपने वीवैप पे एंट्री बताई और आपके जो की पॉइंट्स है सर, आई थिंक आज लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए हो। सो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड सर के साथ कनेक्ट आप हो सकते हैं, मतलब हम तो ट्राई करेंगे सर को, मतलब मैं तो सर ट्राई करूंगा आपको सर हर हफ्ते 10 दिन में बुलाऊं अपने चैनल पे, बिकॉज लोगों के जो भी सवाल आते रहेंगे मैं मतलब लिखता रहूंगा और आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर पूछूंगा। सो हम कोशिश करेंगे आपको हर हफ्ते बुलाने की, अपना टाइम निकालने की। सर थैंक यू सो वेरी मच, एंड अगर आप लोग सर से कनेक्ट करना चाहते हो तो सर को टेलीग्राम ग्रुप जो उनका प्रीमियम ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और सर के सॉफ्टवेयर का भी। सो लोगों का सर फायदा मिलेगा उससे तो कोई दिक्कत नहीं है सर प्रमोट करने में हमें भी, बट आप अपना टाइम हमें देते रहिए क्योंकि हमारे लोगों को सीखने में बड़ा मजा आता है सर, तो मुझे भी बड़ा मजा आता है क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदे से काफी कुछ सीखने को मिलता है सर। नहीं, सर हम देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और अभी क्या है, मार्केट में लोगों को बहुत नुकसान होता है, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का नुकसान नहीं हो, और उसके लिए कुछ मिनिमम कॉस्ट कंपनी के भी कॉस्ट हैं, कंपनी भी चार्ज करती है, इतनी बड़ी टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, तो उस सपोर्ट की एक कॉस्ट है विच इज अ वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट। बट हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोग लॉस कम से कम करें और मार्केट में सस्टेन कर पाए, खासतौर से ऑप्शन ट्रेडिंग में। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम आपकी केयर करते हैं, आपको हम वैल्यू देते हैं, आपको हम ट्रेन करते हैं, ये जुड़ने के बाद ही आप समझ सकते हो, एंड द कॉस्ट इज वेरी वेरी मिनिमम। नहीं सर, मैं अपने लोगों को बोलूंगा कि आप नितिन जी के साथ जुड़े, तो सर का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का, सो गो एंड आप इनके साथ एसोसिएट होइए और रेगुलरली प्रॉफिट कमाइए, यही मेरा प्रयास है। मतलब इसमें मतलब ये है कि लोगों का सर सबसे बड़ा फायदा होना चाहिए, दैट इज इट। सो सर थैंक यू सो वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, एंड मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा सर, सो जरूर टाइम दीजिएगा, एंड अगर आप लोग चाहते हैं नितिन जी दोबारा आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके जो क्वेश्चन है वो भी पूछेगा कॉमेंट में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू। थैंक यू पुष्कर जी, थैंक यू वेरी मच। वेल नितिन जी का जितना थैंक यू किया जाए उतना कम है, क्योंकि आज उन्होंने हमें अपना टाइम दिया। आज आप लोगों को नितिन जी से सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, एंड फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ मेड।